फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर त्रिपाठी और आज बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं और इसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है कि प्रूव दैट अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स के लिए हम करेंगे। वैसे तो ज़्यादा के लिए भी होता है, लेकिन आपको मैं टू नंबर्स जो आपके कोर्स का पार्ट है, अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेम टू नंबर्स, उन्हीं दोनों नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। इसका प्रूफ करने के लिए आपको नंबर्स लेना पड़ेंगे, तो लेट द नंबर्स बी, मान लेते हैं नंबर्स है, लेट नंबर्स बी ए एंड बी, मान लिए नंबर्स क्या है आपके पास ए एंड बी, और अरिथमेटिक मीन क्या होगा आपका, अरिथमेटिक मीन इज क्या होगा ए प्लस बी बाय टू। ज्योमेट्रिक मीन आपको मालूम है क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ऑफ ए बाय बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज रूट ऑफ ए बाय बी। अरिथमेटिक मीन तो आप पहले से ही पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन आपको मालूम है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ए प्लस बी बाय टू इज ग्रेटर आर इक्वल टू क्या प्रूव करना है, रूट ए बी, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी ग्रेटर आर इक्वल टू टू रूट ए रूट बी। आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए को लिख सकते हैं आप रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस टू रूट ए रूट बी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ये बन गया आपका रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। इसलिए हमारी जो अजम्पशन है, हेंस आवर अजम्पशन अजम्पशन इज ट्रू, क्या है अजम्पशन, दैट इज अजम्पशन क्या है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अब ध्यान से सुनो, अब आप ये कह सकते हो जो हमको प्रूव करना था वही मैंने ले लिया, तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हो तो इट कैन बी कंसीडर्ड, ऐसा लिया जा सकता है, पर अगर आपको फिर भी अगर मान लीजिए कुछ सोचने में समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप ऐसा करें, यहाँ से स्टार्ट करें, आप पहली स्टेप किसको लिख दें, इसको लिख दें कि वी नो दैट स्क्वायर ऑफ दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, फिर एस वन से आप कहाँ चले जाएं, ये एस वन बना दें, फिर इसके बाद इसको एक्सपांड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका एस टू, फिर इसको एक्सपांड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका स्टेप थ्री। तो आप ऐसे रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकते हैं, इसके बाद कहाँ पहुँच जाएंगे आप, यहाँ पहुँच जाएंगे, जब यहाँ पहुँच जाएंगे तो इसका मतलब आप कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये आप उल्टा भी लिख सकते हो। तो ये था दोस्तों इसका प्रूफ, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और बहुत कंसेप्चुअल बात है, इसको आप ध्यान रखना, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है और छोटे क्वेश्चंस में भी आ सकती है। और मेरी बेस्ट विशेस हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों तक बात पहुंचा दें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे, यही आपसे मेरी एक्सपेक्टेशंस है। विश यू ऑल द बेस्ट।